अउज़ बिल्लाहिमिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम सैयद अली हुसैन शाह आपसे मुखातिब हैं uh, कुछ दिनों के बाद जो है आपसे बात हो रही है डेंगू का मौसम चल रहा था तो उस वजह से वी वर आल्सो सफरिंग फ्रॉम दैट विद द ब्लेसिंग ऑफ अलमाइटी अल्लाह आई एम रिकवर्ड सो लेट्स स्टार्ट टुडे आज के दिन लेसन नंबर टू यूनिट नंबर टू टू पॉइंट वन जिसका है वंस मोर टू द लेक हमें उनवान से ही मालूम होता है वंस मोर मींस इस राइटर का दिल चाहता है कि वो बार बार टू द लेक की तरफ जाए जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले एक पैराग्राफ पढ़ा जाता है उसके बाद फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वन समर अलोंग अबाउट नाइनटीन ओ फोर My father rented a camp on a lake in Maine and took us all there for the month of August. Except some minor inconvenience, the vacation was a success. And from then on, none of us ever thought there was any place in the world like that lake in Maine. We returned summer after summer, always on August 1st for one month. फ्यू वीक्स अगो द फीलिंग गॉड सो स्ट्रॉन्ग आई बॉट माई सेल्फ अफ फिश होक्स एंड अ स्पेनर एंड टू द लेक वी वी यूज टू गो फॉर वीक्स फिशिंग एंड टू री विजिट और प्लेस एलविन ब्रूक्स वाइट कहते हैं कि एक समर में नाइनटीन ओ फोर उन्नीस सौ चार जो है में मेरे वाल साहब ने रेंटेड अ कैंप एक कैंप जो है रेंट पर ली कहाँ पे इन अ माइन लेक और हम सब को जो है वहाँ ले गए एक महीना गुजारने के लिए जो महीना था अगस्त का वहाँ पे कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी थोड़ी सी माइनर जो है कुछ एक्सपीरियंसेस थे और जो एक्सपीरियंसेस हमने उस वैकेशन पे हासिल किए उसके बाद हमने यही सोचा कि इस झील जैसी इस लेक जैसी कोई अच्छी जो है जगह नहीं है दुनिया में फिर तो हर समर वहाँ हम आते रहे और हमेशा अगस्त के पहली तारीख को हम वहाँ आते और कुछ हफ्ते पहले कुछ वीक्स पहले एक दिल ने जो है मेरे दिल ने जो है मुझे झील की तरफ सोचने पे बहुत मजबूर किया और फिर रहा नहीं गया मैंने जो है फ़िशिंग का सामान मिसाल के तौर पर फिश हुक और स्पिनर जिससे मछलियों को पकड़ा जाता है उनको ख़रीदा और फिर रिटर्न टू द लेक उस झील की तरफ जो मुझे बहुत पसंद थी में जो है चल दिया और आप सब जानते हैं गो देयर मैं वहाँ जाता था और फॉर अ वीक्स फ़िशिंग एक हफ़्ते के लिए मैं वहाँ गया फिशिंग के लिए और उस ओल्ड प्लेस को रीविज़िट एक मर्तबा फिर जो है देखने के लिए विज़िट करने के लिए अब जो है हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या इंफॉमेशन मिलती है आप सब जानते हैं कि वन स्मोट द लेक में आठ पैराग्राफ हैं दूसरा पैराग्राफ सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद फिर उसको भी एक्सप्लेन करेंगे जैसे हमने पहला पैराग्राफ एक्सप्लेन किया राइटर कहता है यहाँ आई टुक अलोंग माय सन हैड नेवर हैड एनी फ्रेश वाटर अप टू हिस्ोज And who had never seen lily pads only from train window. On the journey over to the lake, I began to wonder what it would be like. I wondered how time would have marred this unique, this beautiful spot the sheltered bay and streams, the hills that the sun set behind, the camps and the paths behind the camps. I was sure that the third road would have found it out. And I wonder in what other ways it would be desolated. It's strange how much you can remember about places like that. Once you allow your mind to return into the grooves which led back, you remember one thing and that suddenly reminds you of another thing. I guess I remembered clearest of all the early mornings when the lake was cool and motionless and remembered how the bedroom smelled of the lumber it was made of of the wet woods whose scent entered through the scene. The partitions in the camp were thin and didn't extend clear to the top of the rooms and as i was always the first up i would dress softly so as not to wake the others and sneak out into the sweet outdoors and start out in the canoe keeping close along the shore in the long shadow of the pans abaiyedaras page 11, the dushy paragraph वंस मोर टू द लेक के एक्सप्लेन किया जाता है राइटर कहता है मैं अकेला नहीं था मेरे साथ मेरा बेटा था और हाँ ये बताता जाऊँ कि वो कभी भी फ्रेश वाटर में अंदर दाखिल नहीं हुआ था स्विमिंग के लिए हमेशा उसने जो लिली फैड्स एक पत्ते होते हैं ठहरे हुए पानी पे जो फैले हुए तैरे होते हैं कहें उन्होंने वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेन के विंडो से देखे थे कभी उनके करीब जाकर उनको नहीं देखा था जब हम वहाँ जा रहे थे तो मेरे जहन में कुछ ख़यालत आना शुरू हुए और फिर मैं हैरान होता गया आई वनडर जैसे मैं हैरान हुआ हाउ टाइम वुड है कि वक्त ने कैसे अपने निशाना उन जगहों पे छोड़ दिए हैं मिसाल के तौर पे जो जो चीज़ें जो है वक्त के साथ तब्दील हो गई थी राइटर उनके नाम लेते हुए बताता है द शल्थ बे मीन्स वो जो कवर्ड जो है किनारा था और स्ट्रीम वो भी जो है तब्दील हो चुकी थी द हिल्स वो पहाड़ियाँ दैट द सन सेट बिहाइंड जिनके पीछे सूरज जो है गरूब होता था उनका मंजर भी कुछ तब्दील था दैम्प्स एंड द पाथ्स बिहड द कैम्प जहाँ पे लोग आके केम्प्स लगाते थे और वो रास्ते जिससे गुजरते हुए लोग कैम्प की तरफ आते थे कि वो भी तब्दील थे और हाँ मुझे यकीन था कि जो रोड है ना पक्की रोड वो भी यहाँ इस वादी तक आ चुकी थी राइटर कह रहे हैं रोड ने भी इस लेक को जो है तलाश आखिरकार कर ही लिया इट मींस रोड भी वहाँ पहुँच गई पक्की रोड जैसे टार जो है ढामर को कहा जाता है ना तो उससे बनी हुई रोड आई वंडर कह रहा है मैं हैरान हूँ कि और भी कुछ चीज़ें होंगी कोई रास्ते होंगे जिन रास्तों ने जिन चीज़ों ने इस वादी को डेजोलेट मीन्स तब्दील करके रख दिया या तबाह करके रख दिया इसकी ख़ूबसूरती को अलग करके रख दिया इट्स स्ट्रेंज हाउ मच यू और हाँ राइटर कहता है एक और चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज है कि क्या आपको याद है उन जगहों का डेट वंस कि कभी आप उन जगहों पे आए थे और उन जगहों ने आपको मजबूर किया कि एक मरतबा फिर आप उनकी जगह उनकी तरफ आ जाएं। राइटर कहता है कि आपको तो याद होगा ना कभी कभार हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो फिर उस चीज़ के याद करने के बाद कुछ और चीज़ें भी याद हो जाती हैं राइटर इसी बात का तसलस एक मिसाल दे के कहता है कि मुझे याद है कि क्लियरस्ट क्या मुझे याद है कि जो वहाँ की सुबह होती थी वो तो सबसे ज़्यादा साफ होती थी और लेक जो थी झील जो थी वो बहुत ही कूल और उसमें किसी किस्म का मोशन ठहराव होता था किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होती थी मीन ऐसे था जिसे पानी रुका हुआ है ठहरा हुआ है मुझे कह रहा है कि और भी याद है एक और चीज़ के कि जो बेडरूम जो था लकड़ी का बना हुआ उससे वो जो लकड़ी जिसे टिम्बर भी कहते हैं और लम्बर भी कहते हैं कि रहे उसका जो फ़र्नीचर उसका जो बेडरूम था वहाँ से एक किस्म की खुशबू आती थी, थी लकड़ी की खुशबू वो उस सीन में वो इस मंज़र में वो इस कमरे में उस कैंप में जो है दाखिल होती थी उस एरिया में दाखिल होती थी और हाँ उस वक्त के जो कैंप थे वो तो बहुत ही एक्चुअली थिन थे उनमें कोई किस्म की एक किस्म की पार्टीशन वो पार्टीशन भी जो है वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी कि आवाज़ बसानी हमारी एक पार्टीशन से एक केम से दूसरी तरफ़ ट्रेवल कर सकती थी और हाँ राइटर कह रहा है कि मैं सबसे पहले सुबह सुबह जो है ना सवेरे उठता था और कपड़े तब्दील करके आराम से ताकि कोई जाग ना जाए कोई डिस्टर्ब ना हो कपड़े पहन के सॉफ्टली वहाँ से नॉट टू वेक दर्ज इसल लिए जो है मैं ये सॉफ़्ट करता था जैसे मैं किसी भी और दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को और कैंपर्स को डिस्टर्ब ना करूं और वहाँ से स्निक आउट हो जाके वहाँ से निकल के जल्दी से बाहर स्वीट आउट आउटडोर आ जाता था उस बाहर की जगह आ जाता था जहाँ हर जगह स्वीटनेस थी हर जगह खुशबू फैली हुई थी और फिर अपनी उस बोट में जैसे वो कनू कह रहा है एक छोटा सा बोट होता है वहाँ आके उसमें सवार हो के किनारे पर रहते हुए उन उन जो है जो पाइंस के दरख्त थे उनके शेडो में रहते हुए मैं अपनी मछली का शिकार करता या वहाँ टाइम गुजारता सुबह का टाइम तो यह है आपका पैराग्राफ नंबर टू टू, टू। अब आते हैं हम तीसरा पैराग्राफ और इसमें राइटर जो है क्या कहता है आए हम पढ़ते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं द लेक हैड नेवर बिन वट शू वुड कॉल अ वाइल्ड लेक वर हॉटेज स्प्रिंकल्ड राउंड द शो एंड इट वॉज इनफॉर्मिंग आल दो The shores of the lake were quite heavily wooded. Some of the cottages were owned by nearby farmers and you live at the shore and eat your meals at the farmhouse. That's what our family did. Now, here, the writer that Lake right? uh, today, ये क्या बन चुकी है एक वाइल्ड लैग और राइटर कहता है ये पहले कभी ऐसी नहीं थी राइटर फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताता है कि वहाँ क्या था वहाँ पे कॉटेजेस वहाँ पे कच्चे घर या यूँ कहें कि वहाँ जो है हट्स बने हुए थे और वो हट्स वो जो किनारा था उसमें बिखरे हुए थे स्प्रिंकल्ड थे और फिर वहाँ पे इट वाज इन फार्मिंग दर हकीकत वहाँ पर फार्मिंग होती थी ऐसे राइटर कह रहा है और फिर राइटर कहता है कि वो जो किनारे थे उस लेक के उनकी हर जानेब बहुत सारे दरख्त थे और वो हेवीली वुडेड थे वो किनारे जो है वो दरख्तों से भरे हुए थे कुछ कॉटेजेस जो थे उनके मालकान वही फार्मिंग करने वाले फार्मर्स थे जो आस पास ही रहते थे आप जब वहाँ जाते थे तो क्या करते थे आप रहते थे किनारों पे उन्हीं कॉटेजेस पे और जब खाने का वक्त होता मील का वक्त होता तो फिर आप जो है फार्म हाउस की तरफ मूव करते यही तो काम था जो हमारी फैमिली भी किया करती थी पास्ट में पैराग्राफ नंबर फोर पे आके आ, पढ़ते हैं कि आई वॉज राइट अबाउट द टार इट लेट टू विद इन हाफ अ माइल ऑफ द शोर वेन आई गॉट बैक देयर विद माई बॉय एंड वी सेटल्ड इन टू कैंप नियर अ फार्म हाउस एंड Into the kind of summertime I had known, I could tell that it was going to be pretty much the same as it had been before. I began to sustain the illusion that he was I, and therefore, by simple transposition, that I was my father. This sensation persisted, kept cropping up all the time we were there. It was not an entirely new feeling, but in this setting it grew much stronger. I seemed to be living a dual existence. I would be in the middle of some simple act. I would be picking up a bed box or lying down a table fork, and I would be saying something, and suddenly it would be not I but my father who was saying the words. मैं It इट me मी creepy सेंसेशन अब आइए ज़रा इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं राइटर कहता है कि जब हम वापस आ रहे थे उसी रास्ते से पक्के रास्ते से तो तकरीबन जो है शोर से कितना डिस्टेंस था हाफ अ माइल का डिस्टेंस था जब हम वापस आए बैक टू दैम मैं अकेला नहीं था मेरे साथ मेरा बेटा भी था और फिर हम जब वहाँ पे फार्म हाउस पे पहुँचते हैं वो वक्त समर टाइम था मुझे याद आता है राइटर कहता है और आई कुड टेल मैं आपको बताता हूँ गोइंग टू बी प्राची वक्त जो है बिल्कुल वैसे ही था वैसे ही गुज़र रहा था जैसे वक्त गुज़रता था हमेशा गुज़रता था जब भी राइटर यहाँ आता था ये फीलिंग राइटर को वैसी ही महसूस हो रही है जैसे वो पहले महसूस होती थी राइटर कहता है और उसके बाद क्या होना शुरू हुआ एक ख़याल आना शुरू हुआ एक ऐसा एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ कि वो राइटर कहता है ही वज़ आई मीन्स ऐसे लग रहा था कि मेरा बेटा जो है कौन है वो दर हकीकत वो नहीं मैं उसकी जगह पे हो गया हूँ यह एक फीलिंग ये ख्याल राइटर के जहन में आना शुरू हुआ और सिंपल ट्रांसपोजिशन राइटर कह रहा है तो ये जो तब्दीली जो है ये मैंने महसूस फिर एक और फीलिंग जो है राइटर ने महसूस की क्या राइटर कहता है दैट आई वाज माय फादर अब एक और जगह पे राइटर कहता है पहली जगह पे तो उसने बताया कि मैं अपने आप को बच्चे की जगह महसूस कर रहा था जैसे मैं नहीं हूँ दर हकीकत मैं अपने बच्चे की जगह चला गया हूँ फिर राइटर कहता है एक और पोजीशन मैंने महसूस की उस जगह पे आके कि मैं नहीं हूँ दर हकीकत मैं अपने वालिद की जगह आ गया हूँ कि जब ये आते थे अपने वालिद के साथ तो जो वालिद की जो फीलिंग्स थी राइटर वो महसूस कर रहा है राइटर वो एक्सपीरियंसेस जो अपने वालिद के साथ यहाँ आया करता था वो महसूस कर रहा है कि वो नहीं उसकी जगह उसका वालिद है जैसे फिर राइटर कहता है कि ये जो सेंसेशन थी ये जो एक्सपीरियंसेस थे ये मैं मुसलसल महसूस करता रहा जब तक मैं वहाँ था और फिर राइटर ने उनको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ये जो फ़ीलिंग थी ये कोई नई नहीं, नहीं थी पहले भी जो है ये फीलिंग मैंने महसूस कर रखी थी बट उस दिन इस विज़िट को राइटर ने कहा कि इस फीलिंग को मैंने ज़्यादा इस्ट्रॉग पाया राइटर ने कहा कि मैं और क्या महसूस कर रहा था कि मैं ऐसे महसूस कर रहा था कि जैसे मेरा जो वजूद है वो एक अकेला नहीं वो एक डबल वजूद है मैं जो है छोटे मोटे काम करते हुए अपने आप को देख रहा था जैसे बच्चे करते हैं मिसाल के तौर पे बैट बॉक्स उठाना मछली पकड़ने वाला जो बॉक्स है वो उठाना और फिर अपने जो फॉक्स चमचे थे उनको टेबल पे रखना जैसे बच्चे करते हैं ये काम और फिर कुछ ऐसी जो है बातें करना जैसे कोई बड़ा जो है बातें करता है जैसे वालिद उसका उसके साथ बातें करता था कुछ इशारे देता था ये जो सेंसेशन थी ना राइटर कह रहा है ये एक किस्म की क्रीपी सेंसेशन ये जो क्रीपी वर्ड है दर हकीकत इससे जो है लोगों को खौफ आता है स्केयर महसूस होता है तो राइटर कह रहे हैं कि इन फीलिंग से कभी कभार जो है मुझे खौफ महसूस होता था we went fishing the first morning. i felt the same damp moss covering the worms in the bed can and saw the dragonfly alight on the tip of my rod as it hovered a few inches from the surface of the water it was the arrival of this fly that convinced me beyond any doubt that everything was as it always had happened that the year were a mirage and there had been no years the small waves were the same chucking the rowboat under the chin as we fished at anchor एंड द बोट वॉल द सेम बोट द सेम कलर ग्रीन द रिप्स ब्रोकिन इन द सेम प्लेस एंड अंडर द फ्लोर बोट्स द सेम फ्रेश वाटर लिविंग्स एंड डेबरीज अब आइए जरा इसको एक्सप्लेन किया जाता है पाँचवें पैराग्राफ में राइटर कहता है कि हम सुबह सुबह पहली सुबह को कहाँ गए फिशिंग करने के लिए गए मैंने महसूस किया क्या महसूस किया फ़िशिंग का जो इंस्ट्रूमेंट था जिस पर वाम जो है वो रखा जाता है कह क्या वहाँ मैंने देखा एक ग्रासी ग्रीन जो है ग्रास वो उस बैड को कवर कर रही थी उस वाम को कवर कर रही थी और फिर ड्रैगन फ्लाई का वहाँ आना और उस रॉड के करीब घूमना एक ऐसी फ्लाई थी राइटर कहता है कि जब वो आके उस पानी के सरफेस पे मूव कर रही थी उस मंज़र से राइटर कहता है कि मैंने महसूस किया कि वक्त गुज़रा नहीं वहीं का वहीं रुका हुआ है ठहरा हुआ है जैसे राइटर कहता है कि जो छोटी छोटी वेव्स छोटे छोटे जो पानी की जो है पानी की लहरें आ रही थी बिल्कुल उसी तरह जो है उस रोबोट को अंदर धकेल रही थी जहाँ पे हम किनारे पर रहते हुए उस एंकर के एंकर पे रहते हुए हम मछलियाँ पकड़ रहे थे और वही कलर उस बोट का था जो ग्रीन था और वही उनका जो स्ट्रक्चर जिसे रिप्स कहा जाता है टूटा हुआ था फिर राइटर कहता है उसी जगह पे हमने देखा कि फ्लोर बोर्ड भी था और वहाँ पे कुछ पानी के कुछ निशानात कुछ पानी की छोड़ी हुई चीज़ें कुछ जो है बाक़ियात डेब्रीज तो ये था आपका पांचवा पैराग्राफ आइए अब हम जरा छठा पैराग्राफ शुरू करते हैं writer कहता है we caught two fish when we got back for a swim before lunch the lake was exactly where we had left it the same number of inches from the dock and there was only merest suggestion of a breeze this seemed an utterly enchanted sea the lake you could leave to its own devices for a few hours and come back to and find that it had not stirred the constant and the trustworthy body of water a school of fish swam by each fish with its small individual shadow shadow Doubling the attendance, so clear and sharp in the sunlight. Some of the other campers were in swimming along the shore, one of them with a cake of soap, and the water felt thin and clear and insubstantial. There had been peace and goodness and jollity. छठे पैराग्राफ में राइटर कहता है कि हमने मछलियाँ पकड़ी दो अदद और फिर हम स्विमिंग की तरफ गए और उसके बाद फिर लंच करना था या यूं कहें कि लंच से पहले हमने स्विमिंग की और लेक वॉस राइटर कहता है कि हमने क्या देखा कि जहाँ पे जैसे ही हम वहाँ मूव हुए हमने लेक को वैसा ही पाया हकीकत होता यह है कि अगर हम किसी जगह पर जाते हैं तो पानी या फिर ब्रीज़ हवा चीज़ों को जो है तब्दील करती है मिसाल के तौर पे पानी की जो है अगर वेव आती है तो चीज़ें जो है मूव होंगी सेम इज़ द केस विद ब्रीज यहाँ राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे ये दोनों चीज़ें नहीं थी मीन्स पानी में कोई मूवमेंट नहीं थी और वहाँ पे कोई ब्रीज जो है महसूस नहीं हो रही थी ऐसे लग रहा था सेंट कि वहाँ पे जैसे एक जादू सा मौजूद था जो उस पानी को स्टॉप कर रहा था उस समंदर को स्टॉप कर रहा था दरहकीकत यहाँ पे समंदर की बात तो नहीं हो रही लेक की बात हो रही है मगर राइटर ने यहाँ पे एक उस पानी को समंदर के साथ कंपेयर किया हुआ है मज़ीद राइटर कहता है कि अगर आप कोई डिवाइस वहाँ रखें और जब वापस आएंगे कुछ वक्त के बाद देख सकते हैं आप कि वो डिवाइस वहाँ की वहाँ ही होगी किसी चीज़ ने उसको वहाँ से स्टेयर वहाँ से मूव नहीं किया होगा वहाँ से उसको जो है हिलाया नहीं होगा मैंने फिर आगे जाके बहुत ही ख़ूबसूरत जो है वर्ड इस्तेमाल किया है कि ये जो कांस्टेंट और ये जो पानी है ना वो एक कांस्टेंट है जो तब्दील नहीं होता और ये ट्रस्ट वर्दी है कि जो चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाता जो अमानत में ख़यानत नहीं करता जिस पानी पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं ये वो वाटर है ये वो ख़ूबसूरत जगह है फिर दूसरे मंजर की तरफ राइटर हमें लेके जाता है कहता है मैं क्या देखता हूँ कि एक एक मछलियों का हजूम था एक स्कूल था एक ग्रुप था जो बराबर में स्विम करता देखा गया है और मैंने क्या देखा कि उस उस ग्रुप ऑफ फ़िश की हर एक मछली ऐसे महसूस हो रही थी कि वो अकेली नहीं वो अपने उस शेडो के साथ अपने उस सए के साथ डबल जो है इमेज क्रिएट कर रही थी उसकी अटेंडेंस अकेली नहीं जैसे ड्यूअल नज़र आ रही थी उस चमकते हुए सूरज की रोशनी में पैटर्न ने जो है तीसरे इमेज की तरफ हमें जो है लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अकेले हम नहीं थे वहाँ पे कुछ और कैंपर्स भी आए हुए थे और स्विमिंग करते हुए मैंने उनको किनारे पे देखा और किसी एक को राइटर ने जो है नॉमिनेट किया और उसको जो है डिस्क्राइब किया कि मैंने उसको क्या देखा कि उसके हाथ में एक एक केक जो है मौजूद था फिर राइटर का जो है ख्याल उस पानी की तरफ जाता है और राइटर फिर पानी की तारीफ करता है कि पानी कैसा था वो बिल्कुल फ्रेश था बिल्कुल थिन था उसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं थी जो है बिल्कुल हैवी नहीं था उनमें बहुत सारे टीडीएस मौजूद नहीं थे पानी जो है वो हल्का इन सबस्टेंशल मीन हल्का था भारी नहीं था ये भी एक बहुत बड़ी ख़ूबसूरती थी फिर राइटर जो है आखिरी लाइन की तरफ हमें लेके जाता है और कहता है वहाँ एक किस्म का सुकून वहाँ हर किस्म की अच्छाई महसूस हो रही थी और फिर एक आखिरी चीज़ जो ख़ुशी जो जोटी थी वो अनफर्गेटेबल थी वहाँ अब हम आते हैं अपने सेकंड लास्ट पैराग्राफ की जानब दी ओनली थिंग दैट वॉज रॉन्ग नाउ रियली Was the sound of the place an unfamiliar, nervous sound of the boat outboard motors? This was the note that jarred. The one thing that would sometimes break the illusion and set the ears moving. In those other summer times, all motors were inboard, and when they were at a little distant. The noise they made was a sedative, an ingredient of summer sleep. They were one cylinder and two cylinder engines, but they all made a sleepy sound across the lake. The one, lun the one lungers throbbed and fluttered, and the twin cylinder once spurred and purred and that was a quiet sound too but now the campers all had outboards in the daytime in the hot morning these motors made a petulant irritable sound at night in the still evening when the afterglow lit the water They wind about one's ears like the mosquitoes. इस पैराग्राफ में राइटर क्या फरमाते हैं वो कहते हैं कि एक साउंड जो है वो साउंड उन जो कश्तियों में वो जो मोटर लगती है ये उसका साउंड था ये एक ऐसा साउंड था कि जो अनफेमिलियर अजीब व गरीब साउंड था रहे जो यहाँ आके ये जो ख़्यालत का आना पोलूजन का क्रिएट होना ये जो वक्त का ठहर जाना ये जो ख़ूबसूरती महसूस होना कि रहे है ये जो आवाज़ थी उस पूरे सीन को बिल्कुल तब्दील कर रही थी ऐसे लगता था कि वो ऑलूजन ख़त्म हो रहा है वक्त फिर से जो है मूव हो रहा है गुज़र रहा है और वो जो एक खुशी सी वो जो एक गुडनेस सी रहा वो भी जो है ख़त्म हो रही थी राइटर कहता है दिन हो या रात ये जो आवाज़ थी ये एक एरीटेबल और ऐसी आवाज थी जैसे आ, दिन के वक्त भी जो है डिस्टर्ब कर रही थी और रात के वक्त भी मच्छरों की तरह जो है यह आवाज़ कानों में गूंजती थी और बुरी लगती थी पुराने वक्त को राइटर याद करते हुए कहता था कि जब पुराना वक्त था जब हम पहले यहाँ आते थे तो यही आवाज़ जो एक बोर के वन सिलेंडर के मोटर की मशीन की या टू सिलेंडर की मशीन की आवाज़ थी वो आवाज़ जब थोड़े से डिस्टेंस पे होती थी तो वो भी एक ख़ूबसूरत आवाज़ थी जिसको सुन के इंसान सो जाया करते थे राइटर ने कहा कि ऐसी आवाज थी कि जो स्लीप लाने में मदद करती थी वो एक स्लीप लाने में कोई इंग्रेडिएंट का, का काम करती थी आठवां और आखिरी पैराग्राफ है वंस मोर टू द लेक आइंदरा आप इसको पढ़ के जो है एक्सप्लेन करते हैं वी हैड अ गुड वीक एट द कैंप the sun shone endlessly day after day we would be tired at night and lie down in the accumulated heat of the little bedrooms after the long hot day and the breeze and the breeze would stir almost imperceptibly outside and the smell of the swamp drift in through the rusty scenes sleep would come easily and in the morning the red squirrel would be on the roof tapping out his happy routine i kept remembering everything lying in bed in the morning Ek hafta, writer हमने वहाँ गुजारा उस कैंप में गुज़ारा दिन को सूरज चमकता रहा हर रोज़ जो है सूरज को हमने चमकते हुए देखा जब रात होती तो हम बहुत थक जाते और फिर उस कमरे में जाके जहाँ दिन को बहुत गर्मी होती थी उस वहाँ जाके हम लेट जाते और फिर हवा का जो झोंका था वो आहिस्ता आहिस्ता उस वहाँ के मौसम को बिल्कुल तब्दील करके रख देता और फिर जो बाहर की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता उस एरिया में बिखर जाती नींद का तो फिर आसानी से आ जाना मामूल था फिर सुबह सुबह जो है वो जो रेड कलर का जो ग्लैरी है कह रहे वो छत पे जाके अपनी रूटीन की आवाज़ टैपिंग की आवाज़ करता हुआ हमें जगाता था ये सारी चीज़ें मुझे याद है राइटर कह रहे जब मैं बेड पे लेटा होता था सुबह सुबह को तो ये सारी चीज़ें मैं महसूस करता था और अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखता था मूव करता था याद करता था ट्रांसफ़र करता था ये रहा आपका लेसन नंबर दो इन बहुत जल्द जो है इनकी एक्सरसाइजेस अपलोड की जाएंगी ताकि आप अच्छे तरीके से इनकी तैयारी कर सकें और उसके बाद फिर हम जो है पोइट्री की तरफ मूव करेंगे दो लेसन यहाँ तक पढ़ लिए दो तीन लेसन आपको फिर पोइट्री की तरफ करवाएंगे। जो है फिर इन प्ले भी जो है स्टार्ट करेंगे आपके सुनने का दिल लगा के पढ़ने का और जो है समझने का बहुत बहुत शुक्रिया अमान अल्लाह